इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ मनी बैक गारंटी फैसल कुरैशी. इनसे बात कर लेते हैं. कैसे हैं फैसल? बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे आइडिया आ गया कमर्शियल्स और फिर कॉमेडी रोल्स और फिर एक पूरा एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ने का और सोचने का उसके बारे में? मुझे शुरू से जो शौक था वो यही था कि मैं फिल्म बनाऊंगा. ना मुझे कभी एक्टिंग का था, ना मुझे आइडिया था कि मैं लिख सकता हूँ ना. तो जब मैंने काम शुरू किया तो इंटेंशन यही थी कि ये होगा, बट पता नहीं था कि पहुँच पाऊँगा या नहीं. लेकिन इंटेंशन यही थी कि कभी फिल्म अपने आप को सिनेमा में फिल्म बना के देखें. अच्छी तरह कमर्शियल करते गए, ये कहे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ तो फिल्म का दिमाग में चल रहा था. फिर बड़े अच्छे से सोच रहे थे, लिख भी रहा था, बना रहा था कि ये बनाएं ये बनाएं. फिर ऑल ऑफ अ सडन ये वाली फिल्म लिखी जो मुझे बहुत क्लिक की और फिर इसकी चीज़ें होती गईं. फिर मुझे शायान मिल गए, फिर शायान के साथ इन्होंने एज प्रोड्यूसर इन हो गए, तो फिर हम लोगों ने उनको पसंद भी आ गई और फिर ये आइडिया आज यहाँ पे पहुँचा. अच्छा, इस आइडिया मतलब ये दिमाग में किस वक्त आया, कितने अर्से पहले ये आइडिया आया कि हम सटायर बनाएंगे? 2018 में मुझे हुआ था कि मैं कोई पॉलिटिकल सटायर करता हूँ. तो वो एक थिएटर का प्ले था जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो किसी और का था और वो था एक लोकेशन पे. तो मुझे था कि ये सस्ता बन जाएगा और पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा कि एक जगह पे बनाना है तो इस तरह का कोई आइडिया कर ले. तो जब वो काम शुरू किया बट वो हो नहीं पा रहा था, वो चीज़ें रुकावट थी, राइट्स के मसले थे. मैं सोचता रहा, फिर मैंने सोचा एक साल गुजर गया, मैंने कहा जब ये एक साल इतना हुआ है तो मैं खुद क्यों नहीं लिख लेता कुछ. तो मैंने सोचा, तो मैंने कुछ 2-2.5 महीने में मुझे ये आइडिया भी आ गया और मैंने पूरी फिल्म लिख ली थी 2.5 महीने. फिर मुझे ढूंढने में फाइनेंशियल टाइम लगा, ये लगा. तो फिर बाय द एंड ऑफ 2019 हमने फिर ये फिल्म जो है. एक वक्त था कि आप सोचते थे कि मैं एक ही छोटा बजट होगा, मैं उसी में फिल्म. हाँ बिल्कुल. और अब आपकी इतनी मेगा बजट कास्ट भी हम कह लें और फिर उसके बाद मेगा और फिर आपने उसके साथ जो जिस तरह से प्रोडक्शन के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया है वो तो बहुत ज़्यादा उसका बजट. क्या बजट लग गया होगा? बजट पता नहीं, ओपन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल है अभी. लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ जो पाकिस्तानी फिल्म का होता है उससे ही थोड़ा बहुत ऊपर होगा. अच्छा, आपने बताया नहीं वो सीक्रेट. अच्छा ये बताएं फिर ये कैसे हुआ कि अचानक से वही आपने कहा ना कि एक वक्त था कि मैं ये सोच रहा था कि ये कम बजट में हो जाएगा और फिर इसमें तो बहुत सारे बड़े बजट के आर्टिस्ट भी आ गए, फिर एक तरह से एक कारवां बनता रहा. तो ये कारवां शायान के आने से बना? हाँ बिल्कुल. जब शायान आए तो कास्ट से तो मैं बात कर ही रहा था, तो जब कास्ट ने मुझे हाँ कर दी थी और जब मैंने शायान से बात की तो मेरे पास कास्ट वास लॉक थी. तो जब बात की बस वो पैसों का थोड़ा सा एक वो हो रहा था. तो फिर शायान आए तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ये मसला मैं संभाल लेता हूँ, आप फिल्म बनाएं. अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि बन सकेगी क्योंकि मुश्किल काम होता है फिल्म, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्मूथली हो गया सब. जब आप इसके अंदर आए, इस प्रोजेक्ट के अंदर आए, तो कितना टाइम लगा, यानी इसके प्रोडक्शन के अंदर कितना टाइम लगा, शूट पे कितना टाइम लगा, और उसके बाद ऑब्वियसली चूँकि आपके हैंड ओवर था सारी चीज़ें तो आपने उसको आखिर में वाइंड अप कब किया? 43 डेज मेरा ख्याल है मैंने शूट किया है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है फिल्म के लिहाज से और जिस तरह की फिल्म है उस हिसाब से भी. और आमतौर पर भी फिल्म इतने कम दिन में, थोड़ी बहुत हमने बाहर बाद में भी शूट्स की थी, मिला के 45 डेज होंगे मैक्सिमम. तो इसमें हमने ये पूरी फिल्म शूट कर ली थी जिसकी वजह से बजट कंट्रोल में भी रहा. बट उसके लिए पेपर वर्क और वो मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ था, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्लान थी. फिर जब शुरू में फाइनेंशियल नहीं था तो मैं हर चीज़ खुद करता था, यानी कि मैं सेट डिज़ाइनर तो हायर कर नहीं सकता था, तो मैं खुद ही सेट डिज़ाइन करता रहता था कि अभी टाइम में ये कर लेता हूँ, बैंक कैसा होगा, ये होगा वो होगा. मैं ड्राफ्ट मैन 2 रखे, उनको मैंने बताया इस तरह का मुझे ड्रॉ कर दे, उन्होंने ड्रॉ कर दिया. तो मेरे पास सारी चीज़ें रेडी थी. जब फाइनेंशियल आया तो हम बहुत रेडी थे टू गो ऑन द सेट. तो फिर हमने फौरन ही बस फिर शूट शुरू कर दी थी और विद इन आई थिंक 2 मंथ्स के अंदर मैंने ख़त्म कर दिया. अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि अब एक प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट हो गया और अब वो एक तरह से प्रीमियर होने जा रहा है, उसकी स्क्रीनिंग होने जा रही है, अब क्या उम्मीद कर हम लगाएं कि आप मजीद फिल्म्स की तरफ आएंगे? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया फिल्म करने में. मैं इससे पहले एड्स भी करता था, वो भी करता था, बट उसमें एक अलग तरह की चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं. इसमें मुझे जो फ्रीडम और जो वो था ना, जो शायान के साथ करने का फ़ायदा ये था कि वो कभी भी कोई सवाल नहीं करता था, कुछ नहीं कहता था, कहता था ये करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ये लोगों को समझ नहीं आएगा, इस तरह की कोई बात कुछ नहीं डराता था. वो कहता था आपकी चीज़ है, और फिर मुझे था कि हाँ जी मैं आंसरेबल हूँ, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ ठीक हो रही है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है. तो वो जो
वो जो कंट्रोल था वो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया काम करते हुए। जो लोगों को मुश्किल भी लगता है आमतौर पे जब वो काम कर रहे थे, उनको डर लगता है कि हर चीज़ उन्हीं के, उन्होंने डिसीजन लेना है, ये करना है, बट मुझे मज़ा आता था कि मैं हर डिसीजन खुद ले रहा हूँ और मैं जिसको चाहूँ हाँ कहूँ, जिसको चाहूँ ना कहूँ।